कई लोग ऐसे होते हैं जो दिल से बहुत धनी होते हैं। ऐसे लोग हर किसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि आप भी दूसरों की सहायता करते हो, लेकिन फिर भी आप पूर्णतः खुश नहीं रह पाते। दुनिया भर में रोज के रोज लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर फिर भी हम सभी अकेले होते जा रहे हैं। इसकी सच्चाई यह है कि सभी लोगों के जीवन में व्यस्तता बढ़ती जा रही है, जिस कारण लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाते। और दूसरी सच्चाई यह है कि आप किसी के साथ जिंदगी भर फ्रेंडशिप रखना तो चाहते हो, पर रख नहीं पाते। बिजनेस हो या फिर रिलेशनशिप हो, कहीं भी ज़्यादा दिनों तक आजकल की दोस्ती टिक ही नहीं पाती। एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया, सर मैं बहुत सारे लोगों से धोखा खा चुका हूँ, और सर मैं अंदर से इतना टूट चुका हूँ कि मुझे किसी दूसरे आदमी पे विश्वास होता ही नहीं। सर क्या करूँ मैं, मुझे कुछ बताइए। देखिए मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, तो सुनिए ध्यान से। हर कोई इस बात को जानता है कि इस दुनिया में कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो अकेले ही जन्म भी लेता है और अकेले ही मरता भी है। आप अकेले ही आते भी हैं और आपको जाना भी अकेले ही होता है। हम सभी इस संसार में आते हैं, अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और एक न एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। समस्या क्या है? हर कोई इस बात को जानता है कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, पर इस बात को कोई गहराई से सोचना ही नहीं चाहता। यदि आप हमेशा ये सोचिएगा कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो आप कभी भी खुश रह ही नहीं पाइएगा। एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत। एकांत का मतलब हुआ कि एक में ही सब कुछ का अंत, वही हुआ एकांत। और होता है अकेलापन। अकेलापन को आप कभी भी अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाइए। गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व की प्राप्ति किए तो अकेले ही किए। कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति खुद के दम पर ही करता है। आप कहेंगे लक्ष्य मतलब क्या? यहाँ हमारा लक्ष्य कहने का तात्पर्य नौकरी अथवा रुपया पैसा कमाने से नहीं है, बल्कि आपका लक्ष्य होना चाहिए आपकी खुशी। इंसान दूसरों के पास अपनी खुशी ढूंढता है, जबकि खुशी हमारे खुद के भीतर होता है। किसी से भी ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपका जिंदगी भर साथ देगा। कोई भी आदमी आपका जिंदगी भर साथ देने वाला नहीं है। जैसे कहा गया है ना, सबका साथ सबका विकास, उसी तरह से जान लीजिए खुद का साथ खुद का विकास। आपको अपने जीवन के लिए खुद ही सोचना होगा। आप यदि हमेशा सोचते ही रहेंगे तो कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, और ये सोचिए कि हमको आगे बढ़ना है, हमको खुद के ज़िंदगी में खुश रहना है। यदि कोई व्यक्ति आपको ज़िंदगी के बीच सफ़र में छोड़कर चला जाए तो गलती उसकी है, आपकी नहीं। और एक बात जान लीजिए, जो गलत लोग होंगे ना, वो आपके साथ ज़्यादा दिनों तक रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चोर चोर के साथ ही कम्फर्ट फील कर पाता है। आजकल हर कोई खुद को अकेला इसलिए समझता है क्योंकि कोई भी अपने आत्मा से जुड़ना ही नहीं चाहता। भले ही कुछ लोग एक बात को नहीं मानते, पर जान लीजिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो कभी भी ज़्यादा घबराते नहीं हैं, वो ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं। अपने जीवन में साधना को जरूर अपनाइए। आदमी अध्यात्म से दूर भाग रहा है, जबकि अध्यात्म ही हमारे खुशी का एकमात्र विकल्प है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि कहा जाता है कि मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में। परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं कैलाश पे हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। वही जो परमात्मा है वही खुशी है। आप खुशी को किसी इंसान में मत ढूंढिए, बल्कि आपका खुशी भगवान में है। इसलिए भगवान पे मन लगाए रखिए, परमात्मा का हमेशा गुणगान करते रहिए और खुशी से ज़िंदगी जीना शुरू कर दीजिए। जब आप खुश रहने लगेंगे ना, तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर पाएगा।
किसी दूसरे आदमी से उम्मीद मत कीजिए, बल्कि आपको खुद से ही आगे बढ़ना होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। जो चला गया उसको जाने दीजिए, क्योंकि जो इंसान जाने वाले होते हैं ना, वो आपको बिना गलती के भी छोड़कर चले जाएंगे, और जो साथ निभाने वाले होंगे ना, वो आपके 100 गलती पर भी आपका साथ देंगे। तो जान लीजिए, कोई साथ दे या ना दे, आपको तो ज़िंदगी जीना है ना, आपको तो खुशी से ज़िंदगी जीना है, आपको तो आगे बढ़ना है। इसीलिए हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, बीते हुए बातों के बारे में नहीं सोचना है। और आप क्यों कहते हैं कि मैं अकेला कैसे जीऊं? आप ही हैं जो अकेला जी सकते हैं, समझ गए ना? तो खुशी से जीना शुरू कर दीजिए। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं आपको बस इतना राह दिखा सकता हूं कि आपके पास हर वो ताकत है जो दूसरों के पास है। ऐसा नहीं है कि अंबानी सक्सेस है तो केवल दूसरों की बदौलत ही, बल्कि वो खुद के स्ट्रगल को सहते हुए आगे बढ़ा है, इसीलिए आज वो सक्सेस है। चाहे कोई भी एक्टर हो, कोई भी प्लेयर हो, कोई भी सिंगर हो, या कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो यदि सक्सेस है, वो यदि खुश है, तो वो केवल खुद के दम पर। इसीलिए आप भी खुश हो जाइए खुद के दम पर। जब आप खुद के दम पर खुश रहिएगा ना, तो आपको खुद पे प्राउड फील होगा। इसीलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप खुश रहें और खुद से ही खुश रहें, समझ गए ना? तो आज के लिए इतना ही।